तो इसलिए आप किसान बंधुओं से और जो भी यह वीडियो सुन रहे हैं उनके उनसे संबंधित भी सैकड़ों किसान होंगे, उनके यहाँ इस बात की खबर जरूर पहुँचाएँ। नमस्कार। पीएम किसान की 14वीं किस्त का डेट आखिर आ ही गया। चूँकि हम लोग सामाजिक स्तर के कार्यकर्ता हैं, अब जहाँ भी जाते थे, जिन किसानों को हमने सलाह दिया था पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ने के लिए, वे सभी किसान अब हमेशा टोका करते हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। उन सभी किसानों के लिए और जो हमारे इस चैनल के थ्रू समाचार को सुनते हैं, उनसे संबंधित किसानों के लिए भी खुशखबरी है। इस योजना के तहत सरकार एक वर्ष के दौरान 2,000 रुपये नियमित अंतराल पर ट्रांसफ़र करती है। जानकारी यह मिल रही है कि राजस्थान के नागौर जिले में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफ़र करने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पूर्व की भांति स्वयं बटन दबाकर किसानों के खाते में ऑनलाइन पैसा भेजेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की भी सूचना मिल रही है। सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 28 जुलाई को जारी करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT के जरिए 2,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अथवा पीएम किसान के तहत सरकार सभी पात्र किसानों को एक वर्ष के दौरान 6,000 रुपये 3 किस्तों में निश्चित अंतराल पर देती है। यह पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में DBT के जरिए ट्रांसफ़र की जाती है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश छोटे किसानों को सीधे मदद पहुंचाना है। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अब मुख्य बात किसानों को यह भी बताना है कि अगर उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो उस परिस्थिति के लिए सीधे सीधे वे कृषि विभाग में जाकर, अपने ज़िले के कृषि विभाग में जाकर मिलें, और वहाँ से अगर संतुष्टि मिल जा रही है तो ठीक है, नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पे संभवतः दो बातों को बताया जाएगा, या तो आप अपने खाते को KYC कराइए और दूसरा NPCI कराइए। क्योंकि NPCI जब कराएंगे बैंक खाते को, जब आप अपने बैंक खाते को NPCI कराएंगे तो उस NPCI में आपका आधार लगेगा, आपका बैंक अकाउंट लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और स्वयं आपको वहाँ पर उपस्थित रहना होगा। क्योंकि ये चारों चीज़ें अप्रूव्ड की जाती हैं, NPCI से लिंक की जाती हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये NPCI का फुल फॉर्म है, इससे लिंक की जाती हैं। और जब वहाँ पे लिंक हो जाएगा तो आपको आपके खाते में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छोड़ा जाता है पीएम किसान का पैसा, वो सीधे आपके खाते में चला आएगा। अगर NPCI से लिंक नहीं है तब थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप किसान बंधुओं से और जो भी यह वीडियो सुन रहे हैं उनसे संबंधित भी सैकड़ों किसान होंगे, उनके यहाँ इस बात की खबर जरूर पहुँचाएँ। इस तरह की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।